चलो दोस्तों, हम पहुंचे गढ़वाल कॉलेज से करते आज का कैप्चर। क्या प्रोग्राम बहुत तेजी से चला, एक बजे से चल रहा है प्रोग्राम और अभी है शाम का भी। काफी लोग यहाँ जाते रहे जा रहे हैं और हमारे भाई फौज में हैं, जैसे फौज की ड्रेस में बैठे तो चाहता हूँ किस प्रकार से प्रोग्राम हो रहा है। काफी कलाकार से उपस्थित यहाँ पर लोग हैं जो आज यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और मैं दिखा थोड़ा खर्चे करूँ आपको दिखाऊँ किस प्रकार से होने वाला क्या क्या एक्टिविटीज। और यहाँ पर भी काफी क्राउड है, काफी लोग यहाँ ब्रास के फूल के साथ यहाँ पर जूस लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और एक अच्छा वाला है जिस प्रकार से यहाँ पब्लिक सामान को लेते, टोपी वोपी नजर आ रही है वो भी आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखिए और चलते हैं दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और क्या क्या चीज यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। छोटू क्या कर रहे हो भैया, तो क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, टोपी ले रहे हो क्या ले रहे भैया? टोपी ले रहे हो, टोपी पहाड़ी टोपी पसंद आई नहीं है अभी तक? बिल्कुल सारी बहुत सारे की पसंद आई है, देख लो आप सिर में लगाओ। अच्छा तो ब्लैक ज्यादा पसंद आई है आपको? सुना जा सकता है ब्लैक दादाजी भी पहनते थे ना हमारे, तो मुझे पुरानी चीजें याद आ गई दादाजी को देख के। और दादाजी ने वो लगान सकी है 12 में पहले को हूं सब खुलता बने रहन सा पूरा तिमर यू मां। अच्छा हां तो वो लगे रहन सा, तब मैं याद आ गया तो मैं लोहा को ले जाऊं, पर जरा बड़े होने से छोटे लेना। अच्छी बात है अपने पुराने लोगों को याद करते हुए आज इन्होंने एक बुरा एक अच्छा वो क्या है कि ले रहे हैं ये कुछ अच्छा वाला टोटल मैंने मैंने चिलमोर सजोड़ वो भी लगान सा। अच्छा और क्या ले आना था? और तो यार देखो कम उम्र राशि जो है सब ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी आपको दिखाऊं किस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं और आपको बहुत चीज दिखाने वाला हूँ। अंदर भी प्रोग्राम चल रहा है, धीरे छोटे और भी लोगों से अपडेट कराते हैं यहाँ पर। और एक अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, हमारे एक ग्रुप है जो ढोल दमो के साथ है, मैं चाहता हूँ चलते उनसे बात कराते हैं। और यहाँ दमो का ग्रुप भी आ रखा है जो यहाँ नगर दमो बजा रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रवाद कर सकता हूँ क्या मैं प्रेम देशवाल? आज आपने क्या बजाया यहाँ पर बताइए? हमने उत्तराखंड का बाजा बजाया ढोल दमो वाला ढोल ढोल से। आपका शुक्रवाद कर सकता हूँ क्या मैं? अब अभी मेरे बहुत आई। आपने क्या बजाया यहाँ पे? अजी क्या बजाया, साथ क्या बजाया? बाइक पेपर। बाइक पेपर के भाई ये बाइक पेपर के सताजे हुए जो बाइक पेपर को बहुत शानदार बहुत बेहतरीन से बजाते हैं और उत्तराखंड की हमारे रीति रिवाज को हमेशा ये दर्शाते हैं कि भैया किस प्रकार से हम अपने उत्तराखंड की चीजों दिखाएं। एक भाई बंधु और हमारे बीच में है, चाहता हूँ मैं उनको भी दिखाऊँ किस प्रकार से। तो थोड़ा गुप्त तोड़ दे यू तोड़ से भी शुभ नाम सुनील चंद। सुनील चंद अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गाना गाता हूँ जी। गाने कौन से गाना गाते हो? उत्तराखंड उत्तराखंड के छोटा शॉर्ट सुना दीजिए थोड़ा गीत। वो सरगो मारत दे बुडड़ी कके हल्या नी मिल दे भूखांगी बवे जांदी रुपे जी जत गए दिलेंदो भूखांगी बवे जांदी रुपे जी जत गए दिलेंदो ये बांज फुमड़ो देखे बुबर रोने आल चा ये बांजी फुमड़ियों देखे बुबर रोने आने चाहे ये कनो बिजोग पर कोई काम नहीं आनो चाहे कोई काम नहीं आनो चाहे अरे गैत बस्त नहीं होंगी अरे गैत नहीं मिल दो तो चलते भी गाने सुनते हैं आपको। चलते भी हमारे भाई बंधु ऐसे हैं तो गाना गवाते हैं, खड़े हो जाइए खड़ो के तो तीन हो रहे है ना। तो आज हमारे भाई बंधु यहाँ पे पहुंच गए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा खड़ो के गाना गाएं क्योंकि हमारे संस्कृति यही है। कति हल्या नी मिलबो भूफांगी बवे जांदी रुपे की जत दे दिलिंदो भूफांगी बवे जांदी रुपे की जत दे दिलिंदो हमारित दे बुडड़ी सारा गांव मारित दे बुडड़ी कति हल्या नी बलबो भूफांगी बवे जांदी रुपे की जत दे दिलिंदो। इसका अर्थ है कि हमारे गांव में आजकल इन हो गया ही कि भाई साहब हैल लगाना खन कोई हैल नहीं मिलनो छ और वो बोना छ दी फाइंग बे जान रुपए जत का ले लूं रुपए वाले आदमी कोई ऋण नहीं जो गंडोड़े भी नहीं जीवा चावला भी नहीं जी बांदर मिल जे जाने दिल्ली आ गया आदमी उन्हें वही भी आएगी ठीक है।
हरकत अभी मां से छके होगी और इनके साथ अच्छा लगा कि इन्होंने जो गीत गाया उसमें बहुत ही समझ में आने की वाली चीज है और आप अगर चीज को समझेंगे तो आपको गांव वापस लौटने को एक मजबूर हो जाएंगे जिस स्तर से उन्होंने गाना गाया है और गांव की व्यथा था बताइए उस गाने के बारे में। थैंक यू सो मच यहाँ पे बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रवासी से मिलने जा रहे हैं जो काफी बेहतरीन है, काफी शानदार है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उनके नाम से रूबरू। सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम है सूरज पटवाल है और मैं बिरोखाल ब्लॉक से हूँ। वेदीपाल से मेरा काफी रिलेटिव है आज वेदीपाल प्रोग्राम में आने से। मेरी दो सिस्टर वेदीपाल में है कदोला गाँव में। क्या किसी का प्रोग्राम उड़ाए गए ये उत्तराखंड वेदकाल महोत्सव है। अभी मुझे जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त से पता लगा है तो उन्होंने अचानक ही प्लान बनाया है। बाकी इतना तो मुझे नॉलेज है, मैं दिल्ली में अभी फर्स्ट में आया हूँ, है ना। कुछ टाइम हो रहा है दिल्ली में आए हुए तो मैंने बोला चलो अपने बंदे आ रहे हैं, अपने इलाके के बंदे आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात हो जाए। और ये है कि मेला जैसा है अपना धारा में पौधी घुलन जाए तो पौधी जो पौधी को मंगाना चाहिए। अभी मेरे सोच चाहिए 14 तारीख को कोई पौधी आने वाला है तुम्हारे गढ़वाली हमारे, है ना। चलो भाई अलग अलग है उत्तराखंड के अच्छे होते जैसे उत्तराखंड में भी कोई नया प्रोग्राम होगा। गाँव में गाँव का तो मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं गाँव से जॉब बटे रही चूजा था गाँव में बाहर जा रहा है ना। मुझे जॉब कर दे और जॉब हम ले रही है कोई खास नहीं कि मैं दिल्ली में जॉब कर देता हूँ। कभी चल रहा हूँ कभी कहीं चल रहा हूँ अभी दिल्ली में आया था पता चला अभी दिल्ली के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थोड़ा थोड़ा तारीख है ना। तो अभी मैं फर्स्ट बार प्रोग्राम में तो मेरा काफी अच्छा लगे अपना लोगों में बात करें पर गड़े लोगों सभी लोग रिक्वेस्ट कर आप लोग एक संस्कृति बनाओ एक संगति बनाओ और सारा लोगों का मिला जुला है ना। मेरा काफी अच्छा लगा और नया यूट्यूबर हमारा थी भाई का है ना यूके पहाड़ी ब्लॉग और हम आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अपना भाई बहन सपोर्ट कर रहा और हम भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा आपसे भी सपोर्ट कर रहा। चैनल का जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लाइक कर और कमेंट कर जरूर करा कमेंट और बड़े कमेंट कर हमारे दादा ने बहुत बड़ी बात कर दी यार आज है ये बहुत बड़ी बात कर रही। मैं चाहता हूँ की भाई को भी यार प्यार सपोर्ट करें क्योंकि हमारे भाई लोग आए और संस्कृति से जुड़े रहे आज हमें एक स्तर तक पहुंच गए। लेकिन हम जहाँ भी दिल्ली प्रदेश में रहने के बाद भी हमें कुछ चीज हमें नहीं मिल पाती है लेकिन आज गढ़वाल भवन जो प्रोग्राम के माध्यम से आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ये जो गढ़वाल सभा में जो हम सारे लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है एक होती है एकता सारे हम जितने हैं पहाड़ी लोग गढ़वाली कौन सारे सभा जितने भी हम है ना और जो वो भी छो और बाकी जो हम एक वेदखाला का रहने वाला वेदखाला का नजदीक हम बैजाल बैजरो फड़सड़ी बिरुखाल जितना नजदीक का गुआ है पोखरा तो सब का हमारा लोगों को मुलाकात होने को हमारा अपना चीज लेकिन हम तो नौकरी करना जाना था दूर दूर करना जम्मू जाना कश्मीर हम जाना राजस्थान हम जाना तो हमने एक भी गड़े बदलता जन सारे लगे तो हम तो लगे ना अपना कौन से हम तो सब अपना ही थी और सब तो मुलाकात लगे थी बहुत अच्छा लगे और भाई साहब से मिलते थे बहुत ज्यादा अच्छा लगे है ना। आप भाई साहब को पक्का सपोर्ट कर जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना आप लोग शेयर करना भाई साहब वीडियो तो जाना वाला आपको समझे कौन से शेयर है ना। हम चाहते हैं उत्तराखंड के जितने वासी सब पॉपुलर हुए और हम चाहते हैं कि जैसे गीत के माध्यम से आजकल जो लोग चल रहे हैं गानों के माध्यम से आज ये प्रोग्राम जो किया उसके माध्यम से भी अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आपका बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हम लोगों से और भी बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ जुड़े आए हुए आज यहाँ का जो प्रोग्राम है वो देखने को मिल रहा है और चाहते हैं कि हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से होने वाला है प्रोग्राम यहाँ का सारे गढ़वाली क्षेत्रवासी आज एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है सब लोग यहाँ उपस्थित हैं धीमे करके चलते सारे बात करेंगे और इतिहास लिख रहे हैं और लोगों से सुनेंगे कुछ बातें यहाँ पर किस प्रकार से ज्यादा अपडेट हो रहे हैं और धीमे धीमे करके यहाँ पर एक अच्छा स्तर बना पड़ा जिस तरह से लोग बैठे हैं और अच्छा एक माहौल बना पड़ा है और जिस तरह से आज ये प्रोग्राम किया गया हमारे भैया बैठे हैं कैप्चर कर रहे हैं आज पूरी कैप्चर कर ली करी काफी यहाँ लोग हैं चाहते समझ यहाँ पर और सभी से थोड़ा बातें करेंगे किस प्रकार से और यहाँ पर आज जो गढ़वाली कल्चर को यहाँ पर आज सभी लोगों ने यहाँ निकाले किया है और धीमे धीमे गढ़वाली कल्चर को यहाँ पर सभी लोगों को प्रमोट करें और यहाँ पर लोग यहाँ पर संख्या में आज महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं का संगठन सबसे ज्यादा नजर आता है लेकिन इस लोग जरा कम रहते हैं लेकिन ज्यादा रहती है यहाँ पर
और हमेशा प्रखंड के जितने भी कार्य होते हैं मैं चाहता हूँ कुछ लोगों से यहाँ बात करें किस प्रकार से है, तो ये कौन सी संस्था यही पूछे थे। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया जी, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया। आप क्या प्रोग्राम करते हैं? आज वैदिक हार्मोनियम और चैनल से। आप क्या क्या दिखाया आपने यहाँ पे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, मिलन सम्मेलन है ना, और नाच का रवाये था। नहीं अभी नहीं नाच अभी सरकार ही नहीं आई अभी राम पौराणिक कहानी छोड़ा, बहुत सुंदर है ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। और ये सर ने बड़े अच्छे तो हमारे उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन ट्रॉफी है। खूबसूरत सर बैठे हुए यहाँ पर, ये हमारी पहाड़ों की वो है, लाली है, चमक है, तो इस तरह से चमकते रहे। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बातें बहुत बहुत लगे गोलगप्पे चल रहे हैं, गोलगप्पे हंसी बता दी है और चलिए खाते और लोगों से गोलगप्पे में जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग जुड़े हैं और यहाँ पर कृष्णा राव जी से बहुत शानदार यहाँ माहौल बना बनाना चाहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ के लोग यहाँ जुड़े हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक गढ़वाली प्रोग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से प्रोग्राम होता रहे। और हमारी जो